गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकू लाइफस्टाइल। तो गाइस, अभी जो मेरा पैर है ना, एक पैर इतना पेन हो रहा है कि मुझे चलने को भी नहीं हो रहा है। और बहुत लोगों से बात किया, बहुत लोग कहते हैं कि पैर सूज जाता है, पैरों में पेन शुरू होता है, ये सब होता है। बट मुझे बहुत जल्दी ही ये सब पेन शुरू हो रहा है। तो अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि कैसे इसे ठीक कर सकते हैं घर में, और प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। लिटरली मैं चल नहीं पा रही हूँ, और मतलब एक दो दिन सही रहता है, फिर से पेन शुरू हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। फ़िलहाल हम जा रहे हैं ब्लड टेस्ट देने, उसके बाद हम आते हैं, और फिर हमको कुछ दिन बाद हमको जाना है अपना लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड करने। तो अभी फटाफट चलते हैं। बट आप लोगों में से किसी को पता है इसका रेमेडी क्या है पैर, जिससे दर्द कम हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। बाय। टाइम ही नहीं मिल पा रहा है मुझे, क्योंकि कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, मुझे ही सब चीज़ करना पड़ता है। और कुछ दिनों से बहुत पैरों में भी दर्द था, तो उस दिन शायद आपने ये वीडियो देखा है कि मैं टेस्ट के लिए गई थी कुछ, और टेस्ट करके तो हम आ गए थे। शायद उसका रिपोर्ट आज मिलेगा, 2-3 दिन बाद ही उसका रिपोर्ट है, क्योंकि बहुत सारा टेस्ट लिखा था डॉक्टर ने। और बहुत ज़्यादा फोबिया है मुझे इंजेक्शन से। जब भी इंजेक्शन लगता है या ब्लड टेस्ट के लिए निकालते हैं, तो मैं रो देती हूँ उस दिन तो। बट कोई बात नहीं, एक अगर आप न्यू पेरेंट बनते हैं, न्यू मम्मी बनते हैं, तो वो हिम्मत जो है ना, वो ऑलरेडी आ जाता है। सो ये तो बहुत बड़ी एक ब्लेस्ड है। तो गाइज, ये ब्लॉग मैं बहुत जल्दी एंड करूँगी, विद इन 2-3 दिन में एंड करूँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, हम लोग बहुत जल्दी एनोमली स्कैन करने के लिए जा रहे हैं, और एनोमली स्कैन और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। येस, आई एम अ न्यू मम्मी, वी आर अ न्यू पेरेंट। सो हमारे लिए हर स्कैन, हर टेस्ट, हर चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, और हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है। सो गाइस, प्रे करिए और दुआ में याद रखिए, हमेशा अच्छा अच्छा सोचिए, और आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो गाइस, बस यही था। और आई डोंट नो ये जो ब्लॉग है, मैं कब इसको एंड करूँगी, शायद 2-3 दिन बाद एंड करूँगी, या हो सकता है कि 10 दिन बाद भी एंड होगा। एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे पैरों में इतना पेन है, इतना पेन है कि मैं कोई भी वीडियो ख़त्म नहीं कर। मतलब कुछ पेन होता है ना, तो आपका उस तरफ ध्यान होता है, बजाय आप वीडियो या कोई शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, उसमें बिल्कुल अदर चीज़ में ध्यान नहीं रहता। कुछ दर्द होता है ना, तो उस तरफ ही ध्यान रहता है आपका। तो यही है, मेरे साथ यही हाल हो रहा है। और सारा घर का काम करना, ये सब मुझे ही अकेले करना पड़ता है, और उस वजह से थोड़ा सा टाइम शॉर्ट वीडियोज़ में, वीडियोज़ ब्लॉग में नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि ऐसा ही रेगुलर चल रहा है। तो अब कंटिन्यू रहने की मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बट वही है, थोड़ा सा अपने आपको भी रिलैक्स देना चाहिए, हर चीज़ से, हर टेंशन फ्री रहना चाहिए इस समय। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और बाकी जो छोटा छोटा मोटा जो दर्द है, वो तो होता ही है ना, कोई बात नहीं। सो चलिए, हम लोग अब जाएंगे एनोमली स्कैन के लिए, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि सबके साथ अच्छा करिए, सबके साथ अच्छा रहिए, तो आपके साथ भी अच्छा होगा, और अच्छा ही होगा हमेशा। सो चलो, तो गाइस, हम लोग गए थे हॉस्पिटल, और कुछ ब्लड टेस्ट लेना था, जो हमने टेस्ट के लिए दिया था। तो डॉक्टर को दिखाया, रिपोर्ट सारा नॉर्मल है, बहुत बढ़िया है, बस हमको एनोमली स्कैन के लिए जाना है, और थोड़ा और दिन वेट करना पड़ेगा, उसके बाद
हम वो टेस्ट करेंगे। फिलहाल मैं बना रही हूँ कद्दू और आलू की सब्ज़ी, जो कि ग्रेवी वाली मुझे बहुत पसंद है, तो अभी बनाती हूँ। कद्दू की सब्ज़ी मैं नॉर्मली बनाती हूँ, सिंपल, इसमें कोई इतना ज़्यादा मसाला वसाला नहीं। कुछ कुछ लोग शायद चीनी डाल के या कुछ ऐसे बन करके भी बनाते हैं, पर मैं सिंपल ही बना रही और थोड़ा ग्रेवी करके सिर्फ लहसुन प्याज और अदरक डाल के बना रही। तो गाइस, अभी जब तक प्याज भुन रही है तब तक मैं आपको बता दूँ, हमारा एनोमली स्कैन होने वाला था, बट बहुत ज़्यादा भीड़ था गाइस, और पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरे, तो ज़्यादा देर तक मैं वेट नहीं कर पाई। इसलिए हमने सोचा कि चलो एक दो दिन बाद का हम टाइम ले लेंगे, उसके बाद हम करेंगे फटाफट। सो, अभी फ़िलहाल 3-4 दिन और है, उसके बाद हम जाएंगे। तो बस यही अपडेट आपको देना था, और ये ब्लॉग जो है काफ़ी दिनों से पर दिन का थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी अपडेट नहीं हो पा रहा है। और अभी मैं डाल दी तो गाइस फाइनली मैंने इसमें हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, बस इतना ही मैंने डाला है। और जब ये पक जाएगा बिल्कुल मतलब ना मैश हो जाएगा, तो इसमें हल्का सा गरम मसाला डालेंगे और हो जाएगा। तो अभी धीमी आंच है बिल्कुल, इसको हम ढक दें। तो गाइस मैं अभी क्विक अपडेट आपको दे देती हूँ अपनी हेल्थ के बारे में। अभी हेल्थ बिल्कुल सही है और ब्लड रिपोर्ट बहुत ही बेस्ट परफेक्ट आया है। बस ये है कि हमारा एक स्कैन रह गया है, जो कि इस बार नहीं हो पाया, अभी 2-3 दिन बाद फिर से हम जाएंगे, फिर स्कैन करेंगे, क्योंकि इतनी भीड़ थी मैं वेट बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पैरों में ऊपर से बहुत ज़्यादा दर्द था, और दिन का जो खाना है वो भी स्किप हो रहा था, क्योंकि मेडिसिन भी इस टाइम पे टाइम टू टाइम लेना बहुत ज़रूरी है। और मैं बाहर का जो भी खाना है मैं बिल्कुल अवॉइड है, मेरा स्टार्टिंग से बिल्कुल अवॉइड कर रखा है मैंने बाहर का खाना, तो इसलिए नहीं हो पाया इस बार। पर 2-3 दिन बाद हम लोग फिर से स्कैन के लिए जाएंगे, तभी ये ब्लॉग उसी टाइम ही मैं एंड करूँगी। और अभी मुझे ये ब्लॉग को फटाफट एंड करके करना था, बट क्या अपडेट दूँ आपको, है ना, कुछ नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने छोटे छोटे क्लिप लेके ही मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। तो बस यही है गाइज, और बाकी मुझे आज कद्दू की और आलू जो मिक्स वेज है ना, वो खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, क्योंकि 2-3 दिन पहले मैंने बनाया था, उस समय मैंने थोड़ा सा ही बनाया था, और मेरे हस्बैंड को वैसे इतना पसंद नहीं है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए बना लूँ, तो मैंने अभी बनाया है। तो बस, और मैंने कढ़ी चावल बनाया था, तो कढ़ी भी बनाया है, और थोड़ी सी मैंने सोचा कि थोड़ा सा सब्ज़ी बना लो अपने लिए, क्योंकि मन कर रहा था खाने का। और बाकी यही अपडेट है, बाकी बहुत जल्द सब चीज़ वो ये वाला भी स्कैन हो जाए, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। एंड ऑब्वियसली स्कैन के ड्यूरेशन में अगर आप अपने बेबी को देखते हो तो बहुत मतलब वो जो फील है, वो जो एक्साइटमेंट है आपके अंदर जो रहता है, वो अलग लेवल का होता है गाइस। सो आई होप आप लोगों में से जो मदर बन चुके हैं उन लोग को बहुत अच्छी तरह ये एक्सपीरियंस होगा। और एक बात है गाइस, जैसे आप कद्दू काटते हो ना, तो मतलब कद्दू काटने के बाद ना हाथ में थोड़ा रूखा रूखापन होता है, और पता नहीं कुछ अजीब सा, मैंने पता नहीं ये 2 बार हुआ है, उस दिन मैंने कद्दू काटा था तो मेरे हाथ में रूखा रूखा हो गया था, इस बार मैंने कद्दू काटा तो रूखा रूखा हो गया। अगर आप लोगों में से पता है कि ये क्यों है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और वरना आई थिंक वेदर चेंज हो रहा है, इस वजह से भी हो सकता है। सो, अब मिलेंगे हम डायरेक्ट उसी दिन जिस दिन मैं जाऊँगी।
हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकू लाइफस्टाइल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, मुझे ये ब्लॉग आज कंप्लीट करना है। ये कुछ दिनों से चल ही रहा है और मैं बिल्कुल कंटिन्यू नहीं कर पाई इस ब्लॉग को, उसके लिए आई एम सॉरी। सो इस ब्लॉग को मैं आज कंप्लीट करती हूँ। तो गाइज़, येस, हमारा ब्लड टेस्ट ये सब तो आ रखा है, आपने ऑलरेडी देखा होगा, और सब चीज़ बेस्ट है। और हमारा एक स्कैन बचा था, जो कि स्कैन भी फाइनली हो गया कंप्लीट, और बहुत अच्छा रिजल्ट है। और एक्साइटेड भी मैं बहुत ज़्यादा थी उस समय, क्योंकि आप अपने बेबी को ग्रो करते हुए आप देखते हो, तो वो जो फीलिंग है ना, वो सबसे बेस्ट फीलिंग है हर न्यू पेरेंट के लिए, हर पेरेंट के लिए। और ऑब्वियसली मेरा न्यू है, तो मतलब मेरे लिए तो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही ज़्यादा ही है इस चीज़ का, है ना। तो बस यही है कि कुछ दिन से, 10-15 दिन से मेरे जो पैर है ना, इतना मतलब कि सूज गया है, और ऊपर से पेन इतना हो रहा है कि ध्यान नहीं है। मतलब कि कुछ भी अगर पेन होता है, दर्द होता है ना, तो आपका ध्यान उस तरफ ज़्यादा रहता है बजाय अदर एक्टिविटी के। सो बस यही है। और फाइनली डॉक्टर से मिली, और उसको भी मैंने बताया कि पैरों में दर्द हो रहा है, तो वो भी कह रही थी कि ज़्यादा मेडिसिन इसमें नहीं खा सकते, तो बस ऐसी पेन किलर ये सब दिए हैं, और बाकी लगाने के लिए दिए हैं। होप सो कि जल्द से जल्द मेरा पैर भी ठीक हो जाए, और कुछ ना कुछ तो आपको होगा ही ना। और कोई बात नहीं, जब ये खुशी है तो कुछ भी जो आपके फिजिकल पेन है ना, वो सब ऐसा लगता है कि नथिंग, कुछ भी नहीं है। सो कोई बात नहीं, वो तो ठीक हो ही जाएगा। बाकी बस यही अपडेट था। और ये ब्लॉग मैं छोटा छोटा क्लिप करके मैं ले रही थी, ताकि आपको हर दिन हर पल का जो अपडेट है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, इसलिए। और ताकि मतलब ये जो सारी मेमोरीज है ना, कलेक्ट होके रहता है, तो फिर आप बाद में इसको देख के इंजॉय कर सकते हो कि हाँ, आपने कितनी एक आपने क्या क्या ये सब पाने के लिए, मतलब कितनी मेहनत, कितनी कोशिश की थी। सो यही है, बाकी सब बढ़िया है भगवान की दया से। और आप सब लोग प्रे करिएगा। और बाकी जो अपडेट है, यही अपडेट है कि फाइनली सब चीज़ परफेक्ट है, और आगे जो जो जैसे जैसा अपडेट होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो मेरे शॉर्ट वीडियोस देखना चाहते हैं, तो वो मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं, कुकू लाइफ स्टाइल। और इस यूट्यूब को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, जो मेरे यूट्यूब को पहली बार देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। सो टेक केयर गाइस। और अभी शायद बज रहे हैं 9, सो मेरा तो सारा काम कंप्लीट, पूजा वूजा सब डन हो गया है, तो मैंने सोचा कि आज इस ब्लॉग को मैं यहीं कंप्लीट कर दूं। और जो भी स्कैन है वो तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ, और बाकी यही है कि बहुत अच्छा है रिजल्ट, और बहुत बढ़िया है। सो कीप ब्लेसिंग अस, एंड बस क्या बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बाकी जो शॉर्ट वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ, तो आप प्लीज़ ज़रूर ज़रूर उनको भी चेकआउट करिए। और ब्लॉग बीच बीच में जो भी ऐसा कुछ होगा डिफरेंट, तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। बाकी इस समय बाहर कहीं घूमना आना जाना कुछ हो नहीं रहा है, और ट्रैवल भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर रही हूँ। बस बाहर मैं बस हॉस्पिटल से, घर घर से हॉस्पिटल ही ऐसा ट्रैवलिंग हो रहा है, तो इसलिए बाहर का कहीं का भी ऐसा ब्लॉग लेके नहीं आ पा रही हूँ। सो जितना पॉसिबल हो सके मैं शूट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि ये जो मेरे एक प्यारा सा जो पल है वो हमेशा कैप्चर रहे, और आप लोगों के साथ ये जर्नी स्टार्ट की है तो हमेशा ये आगे कंटिन्यू रहे। सो टेक केयर गाइज, एंड लव यू ऑल, और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। टेक केयर गाइज़।